जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलाइट रनर्स के बारे में। इलाइट रनर्स बनने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इलाइट रनर्स क्या होता है, इलाइट रनर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है और इलाइट रनर्स होने के फायदे क्या है। दोस्तों, आपने जैसे कि देखा होगा, बड़े बड़े इंडिया में जो मैराथन होते हैं, रिकॉग्नाइज्ड रेसेस होते हैं, जैसे कि टाटा मुंबई मैराथन, एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन, टाटा स्टील 25K रन, TCS वर्ल्ड 10K रन, बड़ोदरा इंटरनेशनल मैराथन जैसे बड़े रेसेस में आपने देखा होगा कि सबसे आगे स्टार्टिंग लाइन पे 25 या 30 रनर्स का एक इलाइट ग्रुप होता है, जिनको इलाइट रनर्स माना जाता है। इलाइट रनर्स होने का सबसे फायदा ये है कि किसी भी बड़े रेस में उनको सबसे आगे स्टार्टिंग लाइन में जगह दी जाती है, उनके लिए अलग वार्म अप एरिया दिया जाता है जहाँ पे वो अपना वार्म अप कर सकते हैं रेस के पहले। उनका एकोमोडेशन और रहने खाने का इंतजाम भी फ्री में दिया जाता है और यहाँ तक कि रेस का रजिस्ट्रेशन भी इलाइट रनर्स के लिए फ्री में दिया जाता है। जहाँ की ओपन कैटेगरी के लिए हम जैसे रनर्स के लिए 1,500 से 3,000 का रजिस्ट्रेशन फी होता है, वहाँ इलाइट रनर्स के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। यहाँ तक कि कुछ रेसिस में इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के कुछ फेमस इलाइट रनर्स के लिए अपीयरेंस फीस दिया जाता है ताकि वो आके उनके रेस में दौड़ सके। इससे होता क्या है कि उनकी रेस की जो लेवल है वो बढ़ जाती है, इसलिए कुछ फेमस रनर्स को अपीयरेंस फीस भी दिया जाता है। ये अपीयरेंस फीस कितना होता है ये कभी डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, लेकिन बहुत ही अच्छी अपीयरेंस फीस दी जाती है कुछ अच्छे रनर्स के लिए। तो दोस्तों, इलाइट रनर्स का ये सबसे फायदा है कि उनका रजिस्ट्रेशन फ्री होता है, रहने का और खाने का इंतजाम ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से फ्री में दिया जाता है, अलग वार्म अप एरिया होता है इलाइट रनर्स का जिसमें वो रेस के पहले वार्म अप कर सकते हैं, और ओपन कैटेगरी रनर्स आप जानते हैं कि 2,500, 5,000, 10,000 लोगों के भीड़ में ओपन रनर्स को भागना पड़ता है, तो उनको वार्म अप करने के लिए भी ठीक से जगह नहीं मिलती। तो दोस्तों, एक तरह से इलाइट रनर्स को VVIP ट्रीटमेंट दिया जाता है बाकी रनर्स के मुकाबले में। तो ये है दोस्तों इलाइट रनर्स होने के फायदे। एक और मेन फायदा जो वो है इलाइट रनर्स का, वो ये है कि इलाइट रनर्स का प्राइज मनी अलग होता है। जैसे टाटा मुंबई मैराथन में टॉप 10 के लिए प्राइज मनी दिया जाता है इलाइट रनर्स को, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट रनर को अराउंड 5 लाख के अराउंड प्राइज मनी होता है बड़े रेसिस में, 2 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक का प्राइज मनी होता है फर्स्ट के लिए, और टेंथ के लिए 50,000 के आसपास, 50,000 के आसपास प्राइज मनी होता है। तो इलाइट रनर्स का अलग प्राइज मनी भी होता है दोस्तों। कुछ कुछ रेसिस में ओपन कैटेगरी के रनर्स अगर इलाइट रनर्स के आगे आते हैं तो उनको दोनों प्राइज मनी दिया जाता है। जैसे अगर मैं ओपन कैटेगरी से दौड़ रहा हूँ और मैंने टॉप 10 में टाटा किसी बड़े रेस में अगर टॉप 10 में अगर मैं आता हूँ तो मुझे इलाइट रनर का प्राइज भी मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ रेसिस में इलाइट प्राइज मनी सिर्फ इलाइट रनर्स को ही दिया जाता है और ओपन कैटेगरी का प्राइज मनी अलग होता है। तो दोस्तों, अलग अलग रेसिस के अलग अलग रूल्स होते हैं। लेकिन दोस्तों, इलाइट रनर होना इतना आसान भी नहीं है। तो जानते हैं कि इलाइट रनर बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है। अलग अलग रेस का अलग अलग टाइमिंग क्राइटेरिया होता है इलाइट रनर एंट्री करने के लिए, लेकिन अगर रफली इंडिया में देखा जाए तो फुल मैराथन के लिए मेन के लिए 2 hours 30 minutes का टाइमिंग इलाइट रनर क्राइटेरिया माना जाता है और विमेन के लिए 3.5 घंटे तक का इलाइट रनर क्राइटेरिया माना जाता है। हाफ मैराथन के लिए मेन के लिए 1 घंटा 10 मिनट का इलाइट रनर क्राइटेरिया है और विमेन के लिए हाफ मैराथन में 1 घंटा 28 मिनट जो है इलाइट रनर क्राइटेरिया माना जाता है। 10 किलोमीटर के लिए मेन के लिए 32 मिनट और विमेन के लिए 39 मिनट्स इलाइट रनर क्राइटेरिया माना जाता है। तो दोस्तों, ये जो मैंने टाइमिंग क्राइटेरिया बताया ये लगभग इंडिया में सारे रेसिस में इसी को माना जाता है और डॉक्टर सुनीता गोदारा मैम के वेबसाइट पे भी यही क्राइटेरिया दिया हुआ है इलाइट रनर्स बनने का। सुनीता गोदारा मैडम एक ही इंडिया में ऐसा क्लब चलाती है इलाइट रनर्स का जो बड़े बड़े रेसिस में इलाइट रनर्स का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो अगर आपको इनके इलाइट रनर्स क्लब में रजिस्ट्रेशन करना है तो मैंने उनके वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर नंबर्स भी दिए हुए हैं,
मोबाइल नंबर्स दिए हुए हैं, ईमेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके अपने आप को इलाइट रनर्स क्लब में, अगर आपका इतना टाइमिंग है तो आप अपना जो है नाम रजिस्टर कर सकते हैं इस इलाइट क्लब ग्रुप में। लेकिन दोस्तों ये जो नंबर है कुछ कुछ रेसिस में एक दो मिनट ऊपर नीचे चल जाता है, जैसे कि एयरटेल हैदराबाद मैराथन है, वहाँ पे ढाई घंटा नहीं लेकिन 2 घंटा 50 मिनट का टाइमिंग माना जाता है इलाइट रनर्स का, और हाफ मैराथन के लिए 1 घंटा 10 मिनट नहीं बल्कि 1 घंटा 25 मिनट का क्राइटेरिया दिया हुआ है टाइमिंग का। तो अलग अलग रेसिस का दोस्तों अलग अलग टाइमिंग क्राइटेरिया होता है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं तो मेरा जो फुल मैराथन का टाइमिंग है 2 घंटा 35 मिनट, उसके बेसिस पे मैंने अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करवाया था सातारा हिल हाफ मैराथन में इलाइट कैटेगरी में। तो दोस्तों थोड़ा बहुत 1-2 मिनट अगर आपका ऊपर नीचे टाइमिंग है तो कुछ रेसिस में चल जाता है, आपको इलाइट रनर माना जाता है। आपको ईमेल करके उस तरह से कन्विंस करना पड़ता है ऑर्गेनाइजर्स को कि मैं एक इलाइट रनर हूँ और इलाइट रनर की तरह ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और उनको अपना जो टाइमिंग सर्टिफिकेट है अपने रेसिस का, आपने जो रेसिस किया है उस रेसिस का टाइमिंग सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइजर्स को ईमेल करना पड़ता है, उसके बाद आपका इलाइट रनर में रजिस्ट्रेशन हो जाता है उस रेस में। तो दोस्तों मैंने एक ही बार अपना जो है इलाइट रनर में रजिस्ट्रेशन किया है, तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर आपका 35 मिनट के आसपास भी है 10 किलोमीटर का, तो कुछ रेसिस में आपका जो है इलाइट रनर में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आपको कन्विंस करने की कैपेसिटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजर्स को। जैसे मेरा 10 किलोमीटर में 33 मिनट्स 40 सेकेंड्स का टाइमिंग का सर्टिफिकेट है, उस बेसिस पे मैंने टीसीएस वर्ल्ड 10 के में भी अपना इलाइट रनर में मैंने एक बार रजिस्ट्रेशन किया था। लेकिन उस टाइम बैड लक ये था कि दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं उस रेसिस में नहीं जा पाया ऑफिस काम की वजह से। तो अगर दोस्तों आपको इलाइट रनर बनना है तो सबसे पहले आपको ओपन कैटेगरी में किसी ओपन कैटेगरी में दौड़ना होगा, किसी अच्छे रेस में, रिकग्नाइज्ड रेस में, और उस टाइमिंग सर्टिफिकेट के आधार पे आपको बाद में अपना इलाइट रनर में रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये है दोस्तों इलाइट रनर का जो क्राइटेरिया है, टाइमिंग क्राइटेरिया है ये है। और अगर आपको इलाइट रनर में दौड़ना है तो बहुत सारे फायदे हैं उसके, जैसे मैंने बताया रजिस्ट्रेशन उसका फ्री में होता है, और आपको सिर्फ अपना आने जाने का खर्चा, ट्रैवलिंग का जो है आपको खर्चा करना होगा। और बहुत सारे बड़े बड़े रेसिस में जैसे टाटा मुंबई मैराथन होता है, एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन होता है, उसमें इलाइट रनर्स की जो रेस है वो स्टार स्पोर्ट्स जैसे स्पोर्ट्स चैनल पे लाइव स्ट्रीम भी की जाती है। तो दोस्तों जब मैंने रनिंग स्टार्ट किया था, जब मैंने 1.5 साल प्रोफेशनल की तरह दौड़ा, सिर्फ 1.5 साल का मौका मिला था मुझे, तो जब मैंने रनिंग उस टाइम करता था तो मेरा भी एक सपना था कि मैं किसी दिन इलाइट रनर में रजिस्टर करके दौड़ूं, लेकिन वो मौका आज तक मुझे मिला नहीं है, और अभी तक मैं उस ड्रीम को जो है भुला नहीं हूँ। मैं फ्यूचर में मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा कि एक ना एक बार बड़े रेस में जैसे TCS वर्ल्ड 10K में एज अ इलाइट रनर दौड़ने का मेरा एक ड्रीम है। और मेरा ये मानना है कि आपका भी अगर आप यंग है, आपके पास हार्डवर्क करने की कैपेसिटी है, तो आपका भी एक ड्रीम होना चाहिए इलाइट रनर बनने का, ठीक है। और ये एक बहुत ही बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है। और अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपकी इतनी टाइमिंग है और आपका इलाइट रनर में अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और इलाइट रनर्स के बारे में आपको कोई भी डाउट है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।